हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन एमसीक्यू बूस्टर। और आज की इस वीडियो में 50 केमिस्ट्री शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस देखने वाले हैं हम, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्ज़ाम उठा लीजिए आप, गवर्नमेंट का ACC हो या SSC हो, SSC CGL हो या फिर RRB ग्रुप डी हो, उन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को चेक करोगे तो आप ये सारे के सारे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो इस वजह से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को पूरा देखना। फर्स्ट यहाँ पे है, एटॉमिक थ्योरी ऑफ ए मैटर वॉज गिवन बाय एटॉमिक थ्योरी ऑफ ए मैटर किसके द्वारा दिया गया? सो जॉन डाल्टन के द्वारा, ठीक है। फंडामेंटल पार्टिकल इनसाइड एटम, जो हमारा एटम होता है उसके अंदर क्या क्या होता है? तो एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है हमारा प्रोटोन जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, एंड न्यूट्रॉन होता है जिस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारा रिवॉल्व करता है ऑर्बिट में, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ऑल राइट, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। इलेक्ट्रॉन्स इन द हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम इज़ कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मतलब एटम के जो ऑर्बिट है उसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है, मास नंबर इज़ द सम ऑफ किसका होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स का होता है। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है काफ़ी बार, इसी के ऊपर न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, ठीक है, कि मास नंबर बताइए। तो ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन अगर आपको पता है तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट है, आइसोबार्स होते क्या हैं? आइसोबार्स हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटोमिक नंबर्स, उसको बोलते हैं हम आइसोबार्स। नेक्स्ट है, रेडियो एक्टिविटी इज़ मेजर्ड बाय, रेडियो एक्टिविटी किससे हम मेज़र करते हैं? सो गीगर मुलर काउंटर होता है, उससे मेज़र करते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ ए रेडियो एक्टिविटी? रेडियो एक्टिविटी की SI यूनिट क्या है? सो वो है बैक्यूरल, ठीक है। और डिस्कवर जो किया था रेडियो एक्टिविटी को, उनका नाम था साइंटिस्ट का H बैक्यूरल, ठीक है। नेक्स्ट है, न्यूक्लियर पावर रिएक्टर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स हैं वो किस सिद्धांत पर काम करते हैं? सो वो करते हैं न्यूक्लियर फिजन, ठीक है। ये एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, केमिकल नेम ऑफ क्यूक्लाइम का केमिकल नेम पूछा जाता है काफ़ी बार एग्ज़ाम में, तो वो होता है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम CaOH2 भी बोलते हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो किसके द्वारा दिया गया? सो मेंडलिव के द्वारा। नेक्स्ट है, हु गेव द पीरियोडिक लॉ किसने दिया? डिमित्रिव मेंडलिव ने। नेक्स्ट है, मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। सो मोस्ट अबंडेंट मेटल जो है अर्थ क्रस्ट में वो है एल्युमिनियम। नेक्स्ट है, मेजर पोर्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट इज मेनली कॉन्स्टिट्यूटेड बाय, मेजर पोर्शन जितने भी हैं अर्थ क्रस्ट के उसमें मेनली क्या है? ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन। नेक्स्ट है, मोस्ट अबंडेंट मिनरल ऑफ अर्थ क्रस्ट, मोस्ट अबंडेंट मिनरल पूछा जाए अर्थ क्रस्ट का, सो वो है ब्रिज मैनाइट। नेक्स्ट है, स्टेनलेस स्टील इज एन अलॉय ऑफ, स्टेनलेस स्टील इज एन अलॉय ऑफ पूछा जाए तो वो है क्रोमियम होता है प्लस कार्बन प्लस आयरन, और आपको पता है कि अलॉय दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को मिल के बनता है, उसको बोलते हैं हम अलॉय। नेक्स्ट है, केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक क्वेश्चन है, पूछा जाता है, तो केमिकल नेम है वॉशिंग सोडा का सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम बोलते हैं Na2CO3। नेक्स्ट है, रस्टिंग ऑफ आयरन क्यों होता है? बिकॉज ऑफ कोरिजन एंड ड्यू टू ऑक्सीडेशन, ठीक है, ये याद रखना आप। और जो भी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट है, कार्बोलिक एसिड इज ऑल्सो नॉन एज ए कार्बोलिक एसिड जो होता है उसको हम और क्या बोलते हैं? फिनॉल बोलते हैं, ठीक है। केमिकल नेम पूछा जाता है ऑयल ऑफ पेट्रोल का, ठीक है, तो उसका केमिकल नेम है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ऑल राइट, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। द एसिड इज यूज टू डिजॉल्व गोल्ड, कौन सा एसिड यूज करते हैं हम डिजॉल्व गोल्ड करने के लिए? सो वो होता है एक्वा रेजिया। नेक्स्ट है, द बी स्टिंग कंटेन, जो बी होती है हमारी वो स्टिंग करती है, जो हमें चुभन महसूस होती है उसमें क्या होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। नेक्स्ट है, विनेगर इज़ द कॉमन नेम ऑफ, विनेगर का कॉमन नेम पूछा जाता है तो वो है एसिटिक एसिड।
पीएच वैल्यू ऑफ वाटर पूछा जाए तो वो है 7, नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, ठीक है। ये जो पीएच वैल्यू होती है 0 to 14 तक होती है, ऑल राइट। यहाँ और ये जो 7 होता है ये न्यूट्रल होता है, इसी को हम बोलते हैं पीएच ऑफ वाटर 7, ना तो ये एसिडिक होता है ना तो बेसिक होता है। नेक्स्ट है, विच गैस इज़ यूज एज ए फायर एक्सटिंग्यूजर, कौन सी गैस हम यूज़ करते हैं फायर एक्सटिंग्यूजर में, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। टिप ऑफ द मैच स्टिक कंटेन, जो मैच स्टिक होती है हमारी माचिस की डब्बी, उसकी टिप पे क्या होता है, वाइट फॉस्फोरस होता है, ये याद रखना, काफ़ी बार पूछा गया है। विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वाटर, कौन सा मेटल एक्सट्रैक्टेड हम सी वाटर से करते हैं, सो वो है मैग्नीशियम। नेक्स्ट है, व्हेन मिक्स्ड विद ऑक्सीजन इन एक्वा लंग्स डाइवर्स फॉर द ब्रीथिंग, जो हमारे डाइवर्स होते हैं वो जब छलांग लगाते हैं नदी के अंदर, ठीक है, समुद्र के अंदर, तो उनका जो एक्वा लंग्स होता है उसमें कौन सी गैस या कौन सी चीज़ मिक्स होती है ऑक्सीजन के साथ, तो वो होती है हीलियम। नेक्स्ट है, विच सिल्वर सॉल्ट इज़ यूज फॉर मेकिंग फिल्म ऑफ फोटोग्राफी, कौन सा सिल्वर सॉल्ट यूज़ करते हैं हम, सो वो है सिल्वर ब्रोमाइड, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट है, नोबल गैस यूज फॉर, सॉरी यहाँ पे एक क्वेश्चन छूट गया, द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर, मैक्सिमम डेंसिटी पूछी जाती है वाटर की, तो वो है हमारी 4 degrees Celsius। यहाँ पे आई बटन पे जितने भी वीडियोस, जितनी भी नोटिफिकेशंस आपको दिख रही हैं साइड कॉर्नर राइट कॉर्नर में, उन वीडियोस को जाके वॉच कीजिए, क्योंकि उसमें इतनी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कवर किए हुए हैं, आप उनको देखिए। नेक्स्ट है, नोबल गैस यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ए कैंसर, कौन सी नोबल गैस का हम यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट करने के लिए कैंसर का, सो वो है रेडॉन, ठीक है। नेक्स्ट है, हैवी वाटर, हैवी वाटर इज क्या होती है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होती है, जिसको हम D2O भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, हु डिस्कवर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को डिस्कवर किसने किया, ये पूछा जाता है, सो वो है कार्ल स्किली ने, और कब किया था, 1772 में। नेक्स्ट है, मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म अगर पूछी जाए कार्बन की, तो वो कौन सी होती है, ग्रेफाइट होती है। नेक्स्ट है, फुल फॉर्म ऑफ PVC, PVC की फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड। ग्लूकोज इज़ अ टाइप ऑफ विच शुगर, ग्लूकोज जो है वो किस टाइप का शुगर है, सो हेक्सोज शुगर है वो, ठीक है। नेक्स्ट है, विच फाइबर इज ऑल्सो नॉन एज ए आर्टिफिशियल सिल्क, ठीक है, कौन सा फाइबर है जिसको हम आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से भी जानते हैं, एंड इट इज़ अ चीपर देन सिल्क एंड यूज फॉर मेकिंग फाइबर्स क्लोथ्स एक्सेट्रा, तो वो कौन सा फाइबर है, रेयन फाइबर है, ठीक है। नेक्स्ट है, ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन विच लेयर ऑफ एटमोसफेयर, जो ओजोन लेयर है वो एटमोसफेयर के कौन से लेयर में है, सो स्ट्रेटोस्फेयर में है, ठीक है। नेक्स्ट है, द मोस्ट अबंडेंट नोबल गैस इज इन आवर एटमोसफेयर, कौन सा अबंडेंट नोबल गैस है, सो वो है आर्गन, ठीक है। यहीं पे एक की पॉइंट डिस्कस करूँगा, ऑल नोबल गैस आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, ये ध्यान रखना आप। नेक्स्ट है, मैं यहाँ पे बात करूँगा, नेम द कैटलिस्ट यूज इन द कन्वर्जन फ्रॉम मिल्क टू कर्ड, कौन सा कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, सो वो करते हैं हम लैक्टोज, ऑल राइट। नेक्स्ट है, द एब्सोल्यूट जीरो इज़ द टेम्परेचर एट विच, जो एब्सोल्यूट जीरो होता है टेम्परेचर का वो कब होता है, सो मॉलिकुलर मोशन इन गैस वुड सीज, ऑल राइट। सीमेंट का मिक्सचर पूछा जाता है, तो वो है सिलिकेट प्लस कैल्शियम एल्यूमिनेट्स। नेक्स्ट है, मेन कॉन्स्टिट्यूंट अगर पूछा जाए LPG का, तो वो होता है ब्यूटीन। नेक्स्ट है, नॉन मेटल फाउंड इन ए लिक्विड स्टेट, नॉन मेटल जो पाया जाता है लिक्विड स्टेट में वो कौन सा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है ब्रोमीन। अगर मेटल पूछा जाए कि लिक्विड स्टेट में, तो वो है हमारा मरकरी, ठीक है, ये याद रखना। मेन कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ बायोगैस या फिर गोबर गैस का पूछा जाए, तो वो होता है मीथेन। नेक्स्ट है, हु डिस्कवर एक्सरे, एक्सरे की डिस्कवरी किसने की, तो वो है WC रामचंद्रन ने। फादर ऑफ इंडियन मिसाइल टेक्नोलॉजी पूछा जाता है, तो वो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। नेक्स्ट है, फिलामेंट ऑफ बल्ब इज मेड ऑफ, जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो किस चीज़ का बना होता है, टंगस्टन का, एंड टंगस्टन जो है वो प्योर मेटल्स में इसकी इतनी ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ है, ठीक है। नेक्स्ट है, द मटेरियल यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटर, कौन सा मटेरियल हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक हीटर्स में, तो वो है निक्रोम। नेक्स्ट है, द सो टेस्ट इन लेमन, जो खट्टापन महसूस होता है लेमन में, इज़ ड्यू टू कौन सी चीज़ की वजह से होता है, क्या चीज़ प्रेजेंस होती है उसमें, वो होती है सिट्रिक एसिड। नेक्स्ट है, एट वॉट टेम्परेचर इन फेरनहाइट प्योर वाटर फ्रीजेस,
जो प्योर वाटर फ्रीज हो जाता है कौन से टेम्परेचर पे, लेकिन पूछा गया है फेरनहाइट में, तो वो है 32 डिग्री फेरनहाइट में। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स देखते हैं जो पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो फर्स्ट है डायमंड हैज़ ए मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डायमंड की मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, एंड ड्यू टू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इट हैज़ ए लश्यर, ठीक है, बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, इस वजह से क्या है लश्यर होती है, वो शाइन करती है। नेक्स्ट है क्लोरोफॉर्म इन सनलाइट फॉर्म पॉइजनस गैसेस, क्लोरोफॉर्म जो होती है सनलाइट में, सनलाइट तो वो क्या पॉइजनस गैस करती है, उसका नाम है पॉसेजीन। नेक्स्ट है प्लैटिनम को हम और क्या बोलते हैं, वाइट गोल्ड बोलते हैं। नेक्स्ट है फेरिक क्लोराइड जो इज़ यूज टू स्टॉप द ब्लीडिंग, ठीक है, ये याद रखना, फेरिक क्लोराइड यूज़ करते हैं ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए। नाइट्रिक एसिड इज़ यूज इन प्योरीफिकेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। HCl हम यूज़ करते हैं डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया इन द स्टमक, HCl का यूज़ करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड जो है हम उसको यूज़ करते हैं कार की बैटरीज़ में। कार्बन हैज़ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन नॉन मेटल्स, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, कार्बन की हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है बट किस में, नॉन मेटल्स में। ब्रोमाइन जो ओनली नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में रूम टेम्परेचर में होते हैं। नेक्स्ट है लैक्टोबैक्टीरियस बैक्टीरिया कन्वर्ट्स मिल्क टू कर्ड फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ, काफ़ी बार तो ये पूछा जाता है कौन सा बैक्टीरिया होता है, ठीक है, और अब यहाँ पे पूछा गया है कि लैक्टोबैक्टीरियस बैक्टीरिया कन्वर्ट जो होती है मिल्क से लेके दही में, तो क्या प्रोसेस होता है उसके बीच, फर्मेंटेशन होता है। नेक्स्ट है MgOH2 इज़ केमिकली नॉन एज, उसको क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीजिया। So friends, I hope you like this video. So please subscribe my channel and share my videos and watch I button videos also because वो भी ज़्यादा important है आपके exam के purpose के लिए। अगर इसकी PDF चाहिए तो आपको मैं share कर दूँगा। बाकी thank you so much for watching this video. Thank you.